ये मैसेज देना चाहती हूँ पीटीआई के लोगों को भी और इमरान खान साहब को कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम मशीनरी ने, चाहे वो जज हो, अदलिया हो, अदालत हो, लोग हो, अवाम हो, जो भी एबीसीडी जो आपके मुखालफीन थे उन्होंने साजिश करके आपको वहां से उतार दिया था, तो फिर आप यकीन रखें कि आवाम की ताकत भी आपको वापस नहीं लेके आ सकती और आप कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो इस चीज को एक्सेप्ट करें, आप जाके इलेक्शन में फेयर तरीके से खड़े होते हैं, देखिए आवाम आपको अगर मुंतखब करती है और फेयर इलेक्शन आप मानते हैं, क्योंकि जब आप अपने दौरे हुकूमत में थे तो आपने क्या आपने वादा किया था कि आप सारे रिफॉर्म्स करेंगे, आपने इलेक्शन कमीशन के लिए क्या रिफॉर्म्स दिए थे, क्या किया था आपने रिफॉर्म से वाइज किया कि आपने जो भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनको ये मैसेज दिया कि भाई ओवरसीज से आप वोट दे सकेंगे, अगर उनके दिल में इतनी ज्यादा आपसे अटैचमेंट है तो व्हाई नॉट वो जाए अपना टिकट के पैसे खर्च करें और जाके पाकिस्तान में वोट डाल दें, तो वो यहाँ बैठे बैठे वोट डालने की कोशिश क्यों करते हैं, मुतालबा क्यों करते हैं? अगर आपका जज्बा इतना साजिश है तो आप जरूर जाइए पाकिस्तान और वोट डालकर उनको जिता दीजिए, तो फिर साजिशी बयानियां भी एक तरफ रह जाएगा और आप कितने लॉयल हैं और आप जो सिर्फ ये नारा लगाते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नाम जी, वैसे लोग वहां पर है, मुझे ये लगता नहीं है कि वो जर्मनी फ्रांस से या कहीं और से इम्पोर्ट होकर आए हैं, तो ये उल्टे सीधे नारे लगा करके कुछ हासिल नहीं होगा और ना ही यहाँ ये एक शो है, और जाहिर सी बात है ये शो तो सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों के लिए बनाया गया था, और जब जो भी शो मिस वाले शो पे जो भी कॉलर्स कॉल करते हैं उनकी सब कॉलर के दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनका और मेरा नजरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी कि उनको डिसरिस्पेक्ट करूँ या उनको मैं टॉन्ट करूँ या उनको ये बताने की कोशिश करूँ कि भाई तुम कॉल करो या ना करो तो शो तो चलता रहेगा। शो क्या दुनिया भी चलती रहती है, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब इंसान जिंदा होता है, जितने लोग वहाँ बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं समझते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है। तो इस तरह की बातें, जैसे कि लोग समझते थे इमरान खान साहब अगर इकतदार से नीचे उतर गए तो पाकिस्तान का पहिया ही रुक जाएगा, तो उनकी कितनी बड़ी भूल साबित हुई, पाकिस्तान तो अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान तक़यामत चलता रहेगा, चाहे कोई भी सियासी शख्सियत वहां पे आकर बैठे ना बैठे, जो भी हुकूमत बनाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के दिल में इतनी मोहब्बत है कि अपने मुल्क को चला सकते हैं, और ये दुआ भी है हमारी कि हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चले। तो यहाँ पर शो पे आके प्लीज रिस्पेक्ट करा करें दूसरों की, मैं थोड़ा सा सुन रही थी, बिल्कुल अच्छी बात ये नहीं है, कल को मुझे भी लोग ये कहेंगे कि आप तो इमरान खान की मुखालफत में कॉल करती हैं तो आप इस शो में मत शामिल हो, तो बेसिकली अगर समीना यहाँ पे लेके लगाएगी कि ये शो जो है पीटीआई ने स्पॉन्सर किया है और मैं पीटीआई की हिमायत में ही कॉलर चाहती हूँ, तो फिर उस दिन तो मेरी शो पर लास्ट कॉल होगी, क्योंकि मैं पीटीआई की या किसी भी सियासी जमात की भी हिमायत नहीं करना चाहती, हमारे मुल्क में किसी सियासी जमात से कोई काम चले, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप किसी की कॉल अटेंड नहीं करूंगी, सिर्फ इनका मैसेज ले लूंगी जो मेरे साथ फोन पे थे, और मैं प्रोग्राम खत्म हो गया, मंडे को आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी। जी बोले, जी जी बोले, 30 सेकंड का मैसेज, 30 सेकंड का मैसेज, क्विक वर्ड ये है कि जो कल 17 तारीख का जो इलेक्शन है जी, और ये जो प्रोग्राम जो देख रहे हैं जहाँ पे जिन जिन के रूप में इलेक्शन में हो रहे हैं हल्के में, प्लीज वोट करें ताकि कामयाबी के लिए, चेंज लाने के लिए, पीटीआई के लिए जरूरी होगा हुकूमत में आने के लिए, वरना ये आप छुटकारा नहीं ले सकते इन लोगों से, आप जगह पुष्टि चलता रहेगा और ये मुल्क की माशियत का बेड़ा गर्क कर देंगे, और तमाम मामला जो बिगड़े में है, ये कहते रोते रहते थे पीटीआई में महंगाई है इतनी है, अरे भाई 3.5 साल का हिसाब तो चलो वो दे देगा वो अगर मांगते हैं, लेकिन ये 70 साल के इससे पहले जो 35-35 साल की हुकूमतों में आप लोग रहे, आपने कौन सी दूध की नहरें बांधी भाई, आपकी तालीमी क्या बजट रहा है, आपकी क्या चीज रही है, आपने क्या मेडिसिन मेडिकल सेक्शन में कुछ किया, आप लोगों ने नहीं किया, झूठ है खाली, बस कहती है जी वो मोटरवे बना दी, मोटरवे क्या करेगी, जब आपके पास तालीम ही नहीं है, आपकी पूरा तालीम का कोई बजट ही आप नहीं रखते, तो इस तालीम में क्या करेंगे फिर आप आते हैं तो जी लैपटॉप बांटती है, अरे गिने चुने जो तालीम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट उनको लैपटॉप देते हैं, इससे नहीं बनते हैं, इससे कौमें नहीं तो तरक्की करती है, ये चेंज लाना पड़ेगा चाहे आज नहीं कल, वरना ये जो है ना मुल्क की जो है ना जितनी साख को जितना नुकसान अब पहुंच रहा है ना इससे पहले कभी नहीं पहुंचा, 3 साल की हुकूमत से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वो सारा जो गंद साफ करेगा 3.5 साल में कर देगा साफ, नामुमकिन है भाई, आपको दिमागों को अपने आप को सोचना पड़ेगा, और इस चीज को चेंज लाने के लिए आपको पीटीआई के लिए वोट के लिए निकलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं तो कहता हूँ जो लोग कह रहे हैं शुक्रिया, मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से सबसे, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी, बेहतरीन नतीज के साथ इंशाल्लाह, चले इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को टाइम पे आइएगा जी, हेलो जी, बस मंडे को मुलाकात होगी।